इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान, और सह प्रायोजक हैं मोती महिला महाविद्यालय मऊरानीपुर, गुप्ता ट्रैक्टर एजेंसीज मऊरानीपुर, होटल पीएल गेस्ट हाउस मऊरानीपुर, श्रीराम महाविद्यालय बंगरा। टीकमगढ़ के हाट बाजार में जर्जर हो चुके झूलते तार किसी दुर्घटना को आमंत्रण देते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ागांव नगर परिषद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित बस स्टैंड जाने वाली सड़क पर कई सालों से 33,000 विद्युत लाइन के तार इन दिनों मकर जाल की तरह सड़कों के ऊपर फैले हुए हैं। वहीं सड़क पर नगर परिषद द्वारा सालों से साप्ताहिक हाट बाजार संचालित किया जा रहा है, लेकिन बाजार में पहुंचने वाले दुकानदार मौत के करीब खड़ा हुआ है, जबकि सड़क के ऊपर विद्युत लाइनें काफी दिनों से झूम रहे हैं और इन तारों में हजारों वोल्ट करंट दौड़ रहा है, जिनसे चिंगारी तो आए दिन निकलती ही रहती है। वहीं नगर परिषद के साप्ताहिक हाट बाजार में सालों से सड़क के दोनों ओर निकली विद्युत बिजली के तारों के नीचे व्यापारी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। दरअसल दूर दराज गांव से आने वाले हजारों की संख्या में व्यापारी दुकानें लेकर बाजार में पहुंच रहे हैं, लेकिन दुकान व्यापारी घटनाओं से अनजान बने हुए हैं एवं दुकानदार खतरे के बीच जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं और पैसे कमाने के चक्कर में मौत की परवाह किए बगैर बाजार में डटे रहते हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी दुकानदारों से बाजार बैठकी शुल्क तो ले लेते हैं, जबकि उन्हें बाजार में दी जाने वाली सुविधाओं से नगर प्रशासन अनदेखा कर देते हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारी हाट बाजार स्थानांतरण को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिसका खामियाजा दुकान व्यापारी सहित नगर एवं ग्रामीण अंचलों से आए लोगों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल घटनाओं से जूझ रहे ग्रामीण अंचलों से आए लोगों ने यह भी कहा कि नगर परिषद की उदासीनता के चलते सड़क पर लगने वाला नगर का साप्ताहिक हाट बाजार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नगर का हाट बाजार स्थानांतरण नहीं किया गया, तो लोगों को बड़ी घटना का शिकार होना पड़ सकता है। बाजार है माने बहुत पुराना बाजार चल रहा है, बहुत सदियों से पुराना, और स्टैंड से अस्पताल तक जाने आने में बहुत जटिल समस्या खड़ी होती है। यदि कोई शख्स बीमार हो जाए तो एक घंटा के पहले तो हॉस्पिटल न्यू को लेकर पहुँची। इतनी संकीर्ण जगह है, मेन मार्केट है, अस्पताल है, स्कूल है, थाना है, सोसाइटी है, लोक सेवा है, यानी सभी विभाग रोड पर लगे हुए हैं, फिर भी जगह संकीर्ण है और जानते हुए भी यह बाजार संकीर्ण जगह में लगाया जाता है और आज तक न इसको हटाया गया है। कई बार इसका आवेदन भी किया गया कि यहाँ से स्थानांतरित किया जाए बाजार, लेकिन आज तक माने इस पर कोई कार्रवाई न सुनाई नहीं हुई, जबकि बाहर निकलने में मेन रोड होने की वजह बाहर ना निकल पाएँ, आदमियों को निकलने में आने जाने में सुविधा असुविधा पैदा होती है, ऐसी समस्याएं अनेक इस बाजार लगने से प्रॉब्लम है। नगर परिषद की क्या भूमिका रहती है? नगर परिषद की भूमिका देख रेख रहती है और माने टैक्स लेते आराम से बैठ के लेते हैं बड़ी आराम से। तो बाजार के लिए कहीं और लगाने की पहल नहीं की गई है? अभी तक तो कहीं नहीं की गई है, अभी तो यहीं पर चल रहा है कि यहीं पर माने कई बार उनको बात चर्चा भी है कि माने आगे बाजार लगाए। लोगों का मानना है कि 11,000 के भी लाइन के नीचे लग रहा है, और 11,000 के भी की बड़ी दो ही लाइन है, नीचे छोटी लाइन है, ऊपर बड़ी लाइन है, कई बार तार भी टूटे हैं इसके, तो इसमें तो गंभीर गंभीर वाली बात है। हाँ, कि कई बार तार भी गिरे हैं, तो पेड़ भी एक बार खम्बा एक लेडीज के ऊपर गिरो तो वो हमारे 3 घंटे में होश में आई किसी। यहाँ तो बहुत बड़ी घटना घटने और कभी घटना भी घट सकती है, बहुत बड़ी से बड़ी जटिल घटना घट सकती है। हाट बाजार में एक तो मेन ऊपर से लाइन गई, उससे तो कभी भी हादसा हो सकता है, कई बार तो हादसा होते हुए बचा, और कई बार तो हॉस्पिटल है, स्कूल है, पुलिस चौकी है, वन विभाग है, तो उस आम जन को तो बहुत ही परेशानी होती है, रास्ते में सोसाइटी भी है एक साइड और निजी लोगों की दुकानें हैं, इस स्वार्थ के कारण वे कई बार प्रस्ताव भी हो चुके दूसरी जगह हाट बाजार लगाने के लिए। मैंने उपाध्यक्ष था तब, उस समय मैंने हाट बाजार दूसरी जगह लगवाया था मंडी प्रांगण में, अच्छा भी रहा, लेकिन तो सर ये बताएं सर, आप भी तो उपाध्यक्ष रहे इस सत्र में। हाँ बिल्कुल रहे, और तो क्या पहल की गई? मैंने प्रस्ताव भी डराया हाट बाजार हटाने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट करवाया, जगह भी चिन्हित करवाई, और एक बार लगवाया भी है, तो एक दो बार लगा भी है वहाँ हाट बाजार, फिर व्यापारियों की सांठगांठ के कारण वापसी
करवा लिया गया हाट बाज़ार यहीं पर, जहां पर कभी भी दुर्घटना बहुत लंबी हो सकती है, ऊपर से लाइन निकली। सर कई बार तो ये देखने को मिला कि कई बार तार आर टूट कर लोगों के ऊपर गिरे। हाँ ऐसा हुआ भी है और कुछ लोग जख्मी भी हुए। सर जैसे क्षेत्र से लोग मरीज आते हैं स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए, लेकिन वो बता रहे हैं एक एक घंटे में वहाँ पहुँचना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक घंटे में इतना जाम रहता है बाजार के दिन, हाट बाजार जितना लगता है उतना इतना जाम रहता है कि वो एक घंटे में वहाँ तक पहुँच जाता है। कितने दूर तक फैला हुआ है? करीब वो आधा किलोमीटर दूरी तक मार्केट रहता है, इससे हॉस्पिटल में जाने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। सपनों को तभी मिलेगी उड़ान, हम तभी होंगे कामयाब जब होंगे हम शिक्षित। क्षेत्र का एकमात्र महिला महाविद्यालय मोती महिला महाविद्यालय, छतरपुर रोड मऊरानीपुर। विद्यालय प्रबंधक हरीश चंद आर्य। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर। किसानों का साथी आयशर ट्रैक्टर्स। आयशर का वादा उम्मीद से ज्यादा, ज्यादा पीटीओ एचपी, ज्यादा हाइड्रोलिक क्षमता, ज्यादा कमाई और ज्यादा भरोसा। गुप्ता ट्रैक्टर एजेंसी, प्रॉप राइटर शुभम गुप्ता, पठा वाले वैद्य, झांसी रोड, मऊरानीपुर। कोई भी न हो शिक्षा से वंचित, ऐसा संकल्प है हमारा। श्री राम महाविद्यालय बंगरा, संस्थापक एडवोकेट रविपाल सिंह यादव, अध्यक्ष अरविंद सिंह यादव, प्रबंधक इंजीनियर चंद्रपाल सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह यादव, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबद्ध। शादी हो या कोई समारोह, या करना हो जन्मदिन की पार्टी, आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार होटल पीएल, नगर का सर्वोत्तम गेस्ट हाउस। फूल सिंह यादव, पीएल गेस्ट हाउस, मऊरानीपुर।